दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एनीवे में स्वागत है। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली सबसे पहले वीडियो मिलती रहे। तो देखिए आज हम लोगों का टॉपिक क्या था कि लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक यानी LCM तथा HCM का यह पार्ट 2 है। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज कुछ वीडियो में खास है। तो देखिए मैं आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, यानी संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए, चार अंकों की, जो 24, 36, 48, 60 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कितने कितने से, 24, 36 और 48 और 60, 48 और 60। तो ये संख्या हमको दी गई है। अब हम इसका निकालेंगे LCM। तो इसका LCM भैया निकाल लेते हैं। तो देखिए दो से काटेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, अब फिर दो से काटेंगे 18 आएगा, फिर दो से काटेंगे तो 24 आएगा, और इसको इस काटेंगे तो 23 आएगा। फिर देखिए फिर दो से काटेंगे, दो छंक 12, दो नहीं 18, दो एकम दो, दो दूनी चार, 15 आ गए। अब फिर दो से काटेंगे, दो तैया 6, 9, दो छंक 12, 15 आ गया। अब इसके बाद देखिए दो से काटेंगे, 3 आ गया, 9 आ गया, दो तैया 6, 15 आ गया। अब 3 से काटेंगे, अब दो से तो कटेगा नहीं, अब 3 से कटेगा। तो देखिए 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, 3 5 15। अब 5 से काटेंगे, 1 सॉरी अभी 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 आ गया, 1 आ गया 5। अब देखिए 5 से कटेगा तो ये सब एक 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 हो जाएगा। तो देखिए क्या आया हमारा, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ते 48 गुणा 15 कर देंगे, यानी 48 गुणा 15। तो देखिए कितना आया, 15 ठेक 120 की 0 हासिल 12, 15 चौको 60, 10 70, 2 72, ये आया हमारा 720, 720 आया। अब हमें प्रश्न में कह रहा था कि चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी, तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9, 9, 9, 9, ये चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 720 का भाग इसमें दे देंगे और जो आएगा वही इसमें घटा देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब भाग देते हैं, तो देखिए 720 का भाग हमको 9999 में देना है। तो देखिए भैया 720 एकम 720, 9 9 में 2 गया 7 बचा, 9 में 7 गया 2। अब उतार लेंगे 9, ये कटेगा 3 बार में, 0 3 दूनी 6, 3 21, 9 बचा, 9 में 6 गया, 3 बचा, 7 में 1 गया, 6 बचा, यानी 639। अब 639 हम इसमें घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 9 में 6 गया 3, 9 में 3 गया 6, 9 में 6 गया 3, 9 सॉरी यहाँ पे 9 है, 9 639 है तो यहाँ पे 0 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कह दिया है कि पांच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 20, 24, 35 और 45 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यानी पहले क्या था कि चार अंकों के निकालना था, अब निकालना है पांच अंकों की। तो देखिए संख्या क्या दी गई है, संख्या दी गई है 20, 24, 35 और 45, 35 और 45। अब हम इसका निकाल लेंगे भैया LCM, तो निकाल लेते हैं LCM। तो देखिए दो से काटेंगे 10 आएगा, 12 आएगा, यहाँ पे 35 और 45 ये तो कटेगा नहीं। अब देखिए फिर दो से काटेंगे, दो पंचे 10, दो छंक 12, 35 और 45। अब देखिए फिर दो से काटेंगे, 5, दो तैया 6, 35 और 45। अब काटेंगे 3 से, 5 3 कम 3, 45, 35 सॉरी और 3 15 तैया 45। अब काटेंगे फिर 3 से, 5 आया, 1 आया, 35 3 5 15। अब काटेंगे 5 से, तो देखिए 5 एक कम 5, 5 7 35, 5 एक कम 5, अब 7 से काटेंगे। तो देखिए LCM कितना आया, तो देखिए LCM आया 2 दूनी 4 दूनी 8,
त्रिका 24, 24 पंचे 120 गुणा 21 कर लेते हैं, तो 120 गुणा 21 कर लेंगे, तो देखिए 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4, 21 एक कम 21 4 25, 2520 आया। अब हमें क्या करना है, प्रश्न में क्या दिए गए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो सकती है। अब इसका भाग इसमें दे देंगे और जो शेष बचेगा उसको इसमें घटा देंगे, तो वही हमारा आंसर। तो चलिए भाग देते हैं, तो देखिए 2520 का भाग देना है हमको 9, 9, 9, 9, 9, तो देखिए 25 तिया 7560 आएगा, 9 में 0 गया 0, सॉरी 9 बचेगा, 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया 4, 9 में 7 गया 2, अब उतार लेंगे 9, तो देखिए ये कितना, तो ये कितना आएगा, 0 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 पन्ना 45, 1 46 की 6 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 9 9 में 8 गया, 11 में 6 गए 7, 3 में 2 गया 1719। अब 1719 किस में हम घटा देंगे तो देखिए आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 98280, यानी 98280 हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर अगला दिया गया है कि रस्सी की कम से कम ऐसी लंबाई ज्ञात करें जिसको 45 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर के टुकड़ों में पूरा काटा जा सके। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो देखिए 45 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, एकदम सीधा दिमाग में घुस जाएगा। तो देखिए पहले हम इसका निकाल लेते हैं एलसीएम, देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 3 से कटेगा ये, 2 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 25 और यहाँ पे आएगा 27, और फिर 3 से काटेंगे 3 5 15 25 3 9 27 9, अब 3 से कटेगा तो यहाँ 5, यहाँ 25 और 3 3 9, फिर 3 से कटेगा तो 5 25 1, अब ये 5 से कटेगा तो यहाँ 5 बचेगा, फिर इसके बाद 5 से कटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो देखिए 3 3 9 3 27 3 81 गुणा 25 कर लेते हैं, 81 गुने 25, तो देखिए 25 से कम 25 की 5 हासिल 2, 25 8 202, यानी 20 25 आ गया। अब प्रश्न में दिया है कि रस्सी की कम से कम ऐसी लंबाई ज्ञात करें जिसको 45 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर के टुकड़ों में पूरा काटे, तो यह सेंटीमीटर में दिया है, अब हम इसको मीटर में बनाएंगे तो 100 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे आएगा 20.25, तो एक आ गया 20 मीटर और एक आ गया 25 मीटर, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रश्न में दिया गया है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 663 और 936 को पूर्णतः विभाजित करती है, तो संख्या दी गई है 636 और 936, अब हमें कह रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 663 और 936 को पूर्णतः विभाजित करती है, तो इसको हम मासा निकाल लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 636 का एच सी एफ निकालेंगे तो देखिए 936 में जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, जी आ गया 636, 9 संख्या क्या दी गई है 663 है, सॉरी यहाँ पे 36 नहीं है, तो देखिए यहाँ भी 663 हो जाएगा, 6 में 3 गया 3, 11 में 6 गए 7 और 8 में 6 गया 2, अब 273 का भाग इसमें देंगे, तो देखिए दे लेते हैं ये लगभग 2 बार जाएगा, तो देखिए 2 3 6 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 11 में 6 गया 7, 5 में 4 गया 1 और 6 में 5 गया 1, अब 117 का भाग 273 में देंगे, तो देखिए 102 बार में जाएगा तो 234 आया, अब 11 में 4 गए 9
और यहाँ पे बचा 6 में 3 गया 3 39। अब 39 का भाग 117 में देंगे तो देखिए 3 नवा 27 के साथ हासिल दो, 3 त्रिकोण तो 11 यानी पूरा पूरा कट गया। तो यानी हमारा एक्सेप कितना आया 39। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो यह 39 एक ऐसी संख्या है जो 663 और 936 को पूरी तरह से विभाजित कर देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर अगला क्या दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 245 और 1029 को विभाजित करे और प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो संख्या क्या दी गई है 245 और क्या दी गई है 1029 और कह रहा प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो क्या करेंगे हम 5 इसमें घटा देंगे और 5 इसमें घटा देंगे। तो ये आ गया 240 और ये आ गया 1024। अब हम इन दोनों का निकाल देंगे एचसीएफ वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 240 का भाग देंगे 1024 में तो ये 4 बार में जाएगा तो ये आ जाएगा 960 आएगा। यहाँ पे शेष बचेगा 84। अब 84 का भाग देंगे 240 में तो देखिए 2 बार जाएगा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 10 में 8 गया 2, 13 में 6 गए 7, 72 आया। अब 72 का भाग देंगे 84 में, 72 एक कम 72 2, 12 बचा। अब 12 का भाग देंगे 72 में तो 12 छंग 72, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा एचसीएफ आ जाएगा 12। अब देखेंगे प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है कि एक विद्यालय के शिक्षक प्रतिदिन 18 रुपये 35 पैसे बचाता है, यानी एक दिन में 18 रुपये और 35 पैसे बचाता है। तो उन दिनों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि रुपयों का वह पूर्ण रूप से बचाने में समर्थ हो सके, यानी कि या 19 रुपये हो जाए या 20 रुपये हो जाए या पैसे नहीं बचने चाहिए। तो देखिए अब 35 पैसे हैं तो इसको रुपए में बनाएंगे। तो देखिए अगर हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 350। तो ये 350 ये पैसे हैं, जब इसको रुपए बनाएंगे तो ये हो गया 3 रुपये 50 पैसे। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें पैसे आ रहा। अगर हम इसमें 20 का गुणा कर दें तो 35 × 70 700 आ जाएगा। तो ये यानी 700 पैसे। अगर हम इसमें 100 का भाग देंगे 13 रुपये में बन जाएगा, तो यानी 7 रुपये। तो क्या न्यूनतम दिन कितना है 20 दिन। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है कि एक लड़का नित्य 45 पैसे बचाता है, यानी एक दिन में वह 45 पैसे बचाता है एक दिन में। तो कम से कम दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें वह पूरे रुपयों की राशि बचा ले, यानी कि टोटल चाहे 1 रुपये बने चाहे 2 रुपये बने। तो देखिए जब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये 450 पैसे आएगा। अब हम इसमें 100 का भाग देंगे तो ये कितना बचेगा 4 रुपये 50 पैसे। तो ये तो पूरी राशि हो नहीं सकती। अगर हम इसमें 20 का गुणा कर दें तो 45 × 20 अगर कर दें तो ये आ जाएगा 900, यानी 100 का भाग देंगे तो ये 9 रुपये में बन जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी न्यूनतम दिन कितना है 20 दिन। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए।